शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मौजूद साजा क्राम और प्यारे बहन भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का मौजू है हमने तकरीब से खुद अपने नशेमन थूके। सोचती हूँ परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते, देखती हूँ बंदूक उठती है, गोली चलती है, चलाने वाले की आवाज आती है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको गोली लगती है उसके लब जुम्बिश में आते हैं तो आवाज आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते। सदर अली मकार, जब कातिल भी मुसलमान मकतूल भी मुसलमान, कातिल का भी वही नारा जो मकतूल का नारा, कातिल का भी वही काबा जो मकतूल का काबा, कातिल का भी वही रख जो मकतूल का रख, तो कातिल कहलाए गाजी मकतूल कहलाए शहीद। तो परिंदे किसकी मदद को आए, कातिल की के मकतूल की, कंकर किस पे गिराए, कातिल पे के मकतूल पे, तकरीब कार पे के तकरीब गुजीदा पे। जी हाँ सदर अली मकार, इसीलिए परिंदे नहीं आते, कंकर नहीं गिराते। लगता है अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। सदर अली बकार, जी तो चाहता था कि कश्मीर बोस्निया फलस्तीन अफगानिस्तान शाम इराक लहू लाशे कटे फटे इंसान खून में रंगे सड़कों की बात करती, पर वक्त के दामन में सिर्फ 5 से 7 मिनट की गुंजाइश है, तो इस वक्त में तो अपनों के दिए जख्म दिखाना मुश्किल है, गैरों की क्या बात करूं, गैरों की क्या बात करूं। सदर अली बकार, इस कौम का पानी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था कि तेर से गाड़ी को लाने वाले कौन, जरा गिरे पान में झांकिए, तकरीबकार हम खुद हैं, सपूते ढाका वतन दौलत एक आशियाना दो हिस्सों में तकसीम करने वाले कौन, जरा गिरे पान में झांकिए, तकरीबकार हम खुद हैं, वतन को टुकड़े टुकड़े करने वाले सिंधु देश पख्तूनिस्तान जाग पंजाबी जाग और सी बलोचिस्तान के नारे लगाने वाले कौन, जरा गिरे पान में झांकिए, तकरीबकार हम खुद हैं। खुदा के घर लाल मस्जिद की तरह दीवार को खून में नहलाने वाले कौन, जरा गिरे पान में झांकिए, तकरीबकार हम खुद हैं। कौन के सपूत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पसे जिंदा डालने वाले कौन, जरा गिरे पान में झांकिए, तकरीबकार हम खुद हैं। सदर अली बकार, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। सदर अली बकार, कातिल कोई और नहीं, कसूरवार कोई और नहीं, तकरीबकार कोई और नहीं, चलिए कुछ वक्त के लिए मान लिया कि कातिल कोई और है, कसूरवार कोई और है, तकरीबकार कोई और है, तो मेरा जलता नशेमन सवाल पूछता है, खजाने खाली कौन कर गया, अमलाक किसने नीलाम किए, ओहदे किसने फरोख्त किए, दरामदो बरामदात की आड़ में मुल्क को कौन निचोड़ गया, परचम के तकद्दस को किसने कमाल किया, कराची की सड़कों पर खून की होली किसने खेली, आयन की थजिया माने वाले कौन। सदर अली बकार, मेरा जलता करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तिलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, तमाम शहर ने पहने हुए हैं। सदर अली मकार, एकाश क्या आप उस बाप की हालत देख सकते हैं जिसका बेटा लाल मस्जिद में तेजाब से नहला दिया गया, एकाश क्यों सुहागन का दर्द समझ सकते हैं जिसका शोहर इस्लामाबाद होटल में मारा गया, रफीक खान की बेटी से पूछ जो एफआईए की दिल्ली में मारा गया, उसकी बेटी अभी भी इंतजार में है कि बाबा आएंगे और चूड़ियां लाएंगे, बाबा आएंगे और चूड़ियां लाएंगे। सदर अली मकार, जिनको ये समझ नहीं आता कि तकरीबकार कौन है, कातिल कौन है, कसूरवार कौन है, तो जाइए उनके पास या उन्हें बुला लें, उनका नालो शेवन करना, गरियाजारी करना, आंसू बहाना, आहो बकाह करना, इस बात को रोजे रोशन की तरह अया कर देगा कि तकरीबकार हम हैं कोई और नहीं, तकरीबकार हम हैं कोई और नहीं। कोई और तो नहीं पसे खंजर आजमाई, कोई और तो नहीं पसे खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। शुक्रिया।